तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ हाशिम रजार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल साज। तो आप देख सकते हैं आज हमारे पास है पल्सर 220। और दोस्तों इसका चलते चलते गाड़ी बंद हो चुका है, और गाड़ी बंद हो चुका है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों पल्सर 220 में इसमें किक नहीं है दोस्तों, आप देख सकते हैं किक नहीं है। और इसका इंजन हो चुका है लॉक। तो दोस्तों हम कैसे पता करें कि इंजन कहाँ से लॉक है, किस तरह से दिखा है? तो दोस्तों सबसे पहला इसका हम मैग्नेट सेट करेंगे ओपन, उसके बाद चेक करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसका मैग्नेट सेट हम ओपन कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो देखो दोस्तों ओपन कर चुके हैं दोस्तों। अब हम कैसे पता करें कि इंजन कहाँ से लॉक है, किस जगह से प्रॉब्लम है? तो दोस्तों इसमें हम बोर्ड ऑलरेडी लगा चुके हैं, और इसको हम घुमाएंगे दोस्तों। ये देखिए इंजन लॉक है, तो इसको हम उल्टा साइड घुमाएंगे। देखो घूम रहा है, ये देखो दोस्तों घूम रहा है। देखो ये देखो दोस्तों आके फिर वापस फंस गया। तो दोस्तों इधर से ग्राउंड घूम रहा है, पिस्टन टॉप में आने के बाद ये फंस जा रहा है। ये देखो दोस्तों ये लॉक हो गया। तो दोस्तों ये दिक्कत है कहाँ से आ सकती है, इसका हेड से दिक्कत है दोस्तों। तो इसका हम करते हैं फटाफट पलक ओपन और देखते हैं। तो ये दिक्कत दोस्तों हेड के ऊपर से ही है, ये कंफर्म हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पलक है, पलक की हालत देख सकते हैं आप, ये देखो। तो दोस्तों इसका हेड से प्रॉब्लम है, तो इसका हेड हम ओपन करते हैं फटाफट। इसका टंकी सीट खोलते हैं, ओपन करते हैं, फिर आपको बताते हैं दोस्तों आगे का प्रॉब्लम। क्योंकि दिक्कत इस तरह से आता है दोस्तों, गाड़ी लॉक होने का बहुत तरह का ये होता है, पर इसका इंजन लॉक हुआ है दोस्तों। तो हेड से प्रॉब्लम है, इसके पिस्टन के ऊपर कुछ गिरा है, आगे कुछ टूट के गिरा है, या वाल बेंड होगा, कुछ भी है, जो भी दोस्तों फिर आगे का हम दिखाते हैं आपको पूरा गाड़ी ओपन करने के बाद। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम इसको ओपन कर चुके हैं, सीट कवर पैनल सब कुछ टंकी के ओपन करके दोस्तों। अब इसका हेड हम ओपन करते हैं, इधर का 5-8 नंबर का बोल्ट 6 पीस है वो खोलता हूँ, और 4 बोल्ट खोलता हूँ 14 नंबर, फिर आपको बताता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों हम इसका सारा बोल्ट खोल चुके हैं, हेड का 4 बोल्ट ओपन कर चुके हैं 14 नंबर, और ढक्कन को हम करते हैं बाहर, और उसके बाद आपको बताते हैं दोस्तों। तो ढक्कन को बाहर करने के लिए दोस्तों नॉर्मली ऐसा हथौड़ी लेना है प्लास्टिक वाला, इसको धीरे से ये करना है, और दोस्तों उसको निकाल लेना है। तो दोस्तों ऑलरेडी हम इसको ढक्कन को खोल चुके हैं, अब इसको हम निकालते हैं बाहर। ये देखो दोस्तों हमारा निकल चुका है ट्रैफिक ढक्कन, और दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये वाल्व टूट चुका है, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये वाल्व टूट के बाहर आ चुका है दोस्तों। ये देखो ये लॉक है, और नीचे के हिस्सा से टूट चुका है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो यही वाल्व टूट के नीचे के ऊपर पिस्टन के ऊपर फंसा है दोस्तों, इसके लिए लॉक हो गया इंजन। आगे का आपका दिखाते हैं दोस्तों, ये देखिए इस तरह से लॉक है, और नीचे के हिस्सा से वाल्व टूट चुका है। तो इसका हेड ओपन करते हैं फिर बताते हैं आपको, तो देखते रहिए आप हमारा वीडियो। तो दोस्तों इसका हेड ओपन करने से पहले ये एलिंकी बोल्ट रहता है दोस्तों, इसको खोलेंगे, फिर इसको बाहर लेते हैं, और ये सापड़ को बाहर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद आपको बताते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, हम सब खोल चुके हैं, और ये कैन सापड़ को लेते हैं बाहर, उसके बाद दोस्तों हेड को हम लेते हैं बाहर, और बने रहिए हमारे वीडियो पर दोस्तों, देखते रहिए। ये हेड है दोस्तों, ये हेड को हम लेते हैं बाहर दोस्तों। तो एक हाथ रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है दोस्तों, तो ये हेड को हम ले रहे हैं बाहर, ये देख सकते हैं दोस्तों इसका हालत। ये देखिए वाल पूरा टूट के
देख सकते हैं दोस्तों, ये वाल टूट के पूरा, ये देख सकते हैं आप, ये वाल का हालत देख सकते हैं, ये किस तरह से टूट गया है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वाल टूट के देखिए फंस गया आड़ा होके दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये देखो दोस्तों, ये है अपना वाल्व टूटा हुआ, ये देख सकते हैं, ये वाल्व है दोस्तों, और ये है वाल्व, ये टूट के अलग हो चुका है दोस्तों, यहाँ से टूट के अलग हो चुका है। तो दोस्तों इसी कारण इंजन लॉक हो गया था दोस्तों, और हेड का हालत देखें तो बहुत बुरा हो चुका है दोस्तों, ये पूरा तरह से डैमेज हो चुका है, इसका सीट उट ठोकवाना पड़ेगा दोस्तों। और आप पिस्टन देख सकते हैं दोस्तों, आप पिस्टन देख सकते हैं दोस्तों, ये बीच से छेदा हो गया है पिस्टन में। तो दोस्तों कुल मिला के इसका सब नुकसान हो गया दोस्तों। तो दोस्तों आगे का प्रोसेस हमारा रहेगा, फिर इसका सामान क्या क्या डालना पड़ेगा दोस्तों वो देखते हैं। और इतना बुरा तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों आप, इतना क्लियरली कोई बताएगा नहीं दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पिस्टन में छेदा हो चुका है वाल्व द्वारा, वाल्व टूटने के कारण वो छेदा कर दिया दोस्तों, ये होल्ड हो चुका है। अब दोस्तों इसका पूरा हाफ इंजन खोल के पूरा असेंबल करना पड़ेगा, तो बने रहिए हमारे वीडियो में, आगे का दिखाते हैं दोस्तों आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जितना भी काम था दोस्तों हम करवा के आ चुके हैं, नया पिस्टन ले चुके हैं, ये 25 नंबर बोर करवाया हूँ दोस्तों, इसको 25 नंबर बोर करवाया हूँ, 25 नंबर रिंग पिस्टन डालेंगे, और दोस्तों इसमें वाल्व भी इसमें असेंबल करेंगे। तो दोस्तों आपको मेरा वाल्व और रिंग पिस्टन का असेंबल करना वीडियो देखना होगा, आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें वाल्व लगाते हैं और पिस्टन असेंबल करते हैं, पिस्टन क्या रिंग असेंबल करते हैं, और डायरेक्ट आपको बलोक असेंबल करके दिखाएंगे दोस्तों। ये इसका पहले वाला पिस्टन है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पूरा तरह से आर पार छेदा हो चुका है, देख सकते हैं दोस्तों ये पूरा छेदा हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे वीडियो में आपको हम दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें हम वाल लगा चुके हैं, दोनों वाल कंप्लीट फिट कर चुके हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप, और ये पिस्टन भी फिट कर चुके हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं ये पिस्टन भी फिट कर चुके हैं, और हम अब बलों को करेंगे असेंबल इसमें। तो उससे पहले दोस्तों इसमें हम ऑयल डालेंगे रिंग के ऊपर ऑयल डालेंगे दोस्तों, और ये बलों के ऊपर ऑयल डालेंगे, और उसके बाद इसको उसमें असेंबल करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसमें भी हम मोबिल डाल चुके हैं, और पिस्टन में भी ऑयल डाल मोबिल डाल चुके हैं दोस्तों। तो इसको लगाना है किस तरह दोस्तों, ये देख सकते हैं इस तरह से बलों को लगाना है दोस्तों, और इस पिस्टन को दोस्तों इस तरह से दोस्तों लगाना है, और इसको धीरे धीरे इस तरह से पुश करना है दोस्तों, और ये इत्मीनान के साथ। तो दोस्तों इस तरह से ये बैठ चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये बलोक हमारा बैठ गया दोस्तों। अब इसमें हम लगाएंगे दोस्तों इसको हेड गैस्केट को, और हेड गैस्केट लगाने के बाद हेड को चिपकाएंगे दोस्तों, आप बने रहिए हमारे वीडियो में, देखते रहिए दोस्तों। तो दोस्तों हेड गैस्केट लगाने से पहले दोस्तों ये दो डॉट लगाएंगे, ये डॉट आता है दोस्तों, ये डॉट हम लगाएंगे पहला इसमें बल्ब के ऊपर। तो ये डॉट हम दोनों लगा चुके हैं दोस्तों, उसके बाद दोस्तों डॉट लगाने के बाद दूसरा प्रोसेस है दोस्तों, ये टाइमिंग चेन गेट जो रहता है दोस्तों, ये गेट डालना है इस तरह से, टाइमिंग चेन गेट डाल चुके हैं दोस्तों। अब इसमें दोस्तों ये दो काम करने के बाद हेड गैस्केट सोल्यूशन लगा चुका हूँ मैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो उसमें लगा चुके हैं,
और उसके बाद हम अब डालते हैं इसको दोस्तों पैकिंग को। तो पैकिंग को डालते हैं दोस्तों इस तरह से, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों पैकिंग को हम लगा चुके हैं। पैकिंग लगाने के बाद हम ये हेड को असेंबल करेंगे। ये हेड को असेंबल करेंगे दोस्तों। आप बने रहिए हमारे वीडियो में, किस तरह से करना है देखते रहिए। इस तरह से ये टाइमिंग चेन को हम ऊपर लेंगे इस तरह से दोस्तों। अब आराम से हमारा वीडियो देखिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम टाइमिंग चेन को ऊपर लेंगे और दोस्तों इस तरह से दोस्तों इस तरह से हम टाइमिंग चेन को ऊपर लेंगे, ये देख सकते हैं आप इस तरह से। और आराम से इस हेड को इसको इस तरह से बैठा देंगे। ये हमारा हेड बैठ चुका है दोस्तों। अब हेड बैठने के बाद ये है वायर, इसको हम टाइमिंग चेन को इस तरह से लटका देंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं इस तरह से तो फंसा देंगे दोस्तों। हमारा हेड बैठ चुका है दोस्तों। अब आगे का हमारा प्रोसेस है, आप देखते रहिए। तो दोस्तों अब हम लगाएंगे कैम सापड़ को। हम बलोक हेड सब कुछ असेंबल कर चुके हैं दोस्तों। अब कैम सापड़ को किस तरह लगाना है दोस्तों, आप देख सकते हैं। कैम सापड़ को लगाना है दोस्तों, ये देख रहे हैं टी का निशान। ये टी का निशान ऊपर रहेगा दोस्तों, तो इस तरह से इसको लगाना है। तो ये तार जो हम बांधे दोस्तों इसको खोल देते हैं। खोलने के बाद आपको बैठा के दिखाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, इस तरह से दोस्तों तो ट्रैफिक कवर को हम लगा चुके हैं दोस्तों। अब हम डालेंगे इसमें स्टेट को, चार स्टेट और आठ नंबर का बोल्ट टाइट करते हैं दोस्तों, फिर आपको बताते हैं आगे का। तो दोस्तों इसका सब हेड ब्लॉक हम असेंबल कर चुके हैं दोस्तों। अब मैग्नेट हेड का काम करेंगे थोड़ा सा, आप देखते रहिए हमारा वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले लगाना है इसको इस तरह से। इस तरह लगाने के बाद दोस्तों ये बूस है, ये बूस को ऐसा लगाना है ध्यान से। उसके बाद दोस्तों ये वन बाय है, तो इसको इस तरह से लगा देना है दोस्तों इस तरह से। उसके बाद ये मैग्नेट है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें सब रोलर छर्रा में लगा बैठा रखा हूँ। तो दोस्तों ये मैग्नेट को फिर इस तरह से लगा देना है इसमें। तो वन वायर रहता है दोस्तों, इस तरह से इसको थोड़ा सा ओवरटेक करना पड़ता है। इस तरह से दोस्तों ये बैठ चुका है हमारा मैग्नेट। तो दोस्तों ये मैग्नेट लगाने के बाद दोस्तों ये वाशर है, ये 14 नंबर का बोल्ट है दोस्तों, इसको लगा देना है दोस्तों फटाफट। इसको टाइट करते हैं दोस्तों, इसका ढक्कन लगाते हैं, पूरा गाड़ी कंप्लीट करके आपको बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरा पूरा काम हो चुका है दोस्तों। अब इसको स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करके देखते हैं इसका साउंड कैसा है। दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपको हमेशा ऐसा वीडियो मिलते रहेंगे दोस्तों। आज तक का वीडियो यहीं तक।